दे दो हमको कुल आ जाओ ले उरी के आओ देखो वाचन कर रहे हो आप कर रहे हो ना अरे भाई आप कर रहे हैं आप कर रहे हैं आप चलो हम कर सेवा में महामहिम राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली द्वारा श्रीमान अनुविभाग अधिकारी महोदय देवरी जिला सागर मध्य प्रदेश विषय अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को पूर्व की भांति पुनः लागू कराने के संबंध में महोदय उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि पूरे भारत में जाति आधार पर SC ST वर्ग के गरीब लाचार व कमजोर व्यक्तियों के ऊपर मनुवादी लोग सदियों से अत्याचार करते आए हैं और यह सिलसिला पूरे देश में अब भी बड़े पैमाने पर जारी है। जाति आधार पर सदियों से किए जा रहे अत्याचार पर रोकथाम के लिए तत्कालीन केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 SC ST एक्ट 1989 बनाकर लागू किया था। उपरोक्त एक्ट लागू होने के बावजूद भी सच्चाई यह है कि इन वर्गों के ऊपर जाति आधार पर मनुवादियों द्वारा अब जुल्म और अत्याचार किया जाता है तो अधिकांश मामलों में कोई विरोध भी नहीं कर पाता है, जिससे भयभीत होकर इस वर्ग का पीड़ित व्यक्ति अत्याचार सहकर भी चुपचाप घर में बैठ जाता है। यदि हिम्मत करके पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाने चला जाता है तो साधारणतः पुलिस उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं करती बल्कि उसे डरा धमका कर भगा दिया जाता है। यदि मिन्नत करने पर रिपोर्ट दर्ज कर भी लेते हैं तो SC ST एक्ट नहीं लगाते। यदि एक्ट लगा भी दिया जाता है तो अधिकारी द्वारा निष्पक्ष जांच न करके फाइनल रिपोर्ट लगाते हुए मुकदमा रफा दफा कर दिया जाता है। यदि किन्हीं गंभीर मामलों में अदालत में अपराधियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी जाती है तो मुकदमों के गवाहों को लालच देकर या डरा धमका कर तोड़ लिया जाता है अथवा मार दिया जाता है या धनबल बाहुबल या राजनीतिक बल के आधार पर पक्षपात के माध्यम से अपराधी बाइज्जत बरी हो जाते हैं। इस प्रकार SC ST एक्ट वर्ग के लोगों द्वारा इस एक्ट का दुरुपयोग नहीं हो रहा है बल्कि यह एक्ट निष्पक्ष एवं प्रभावी रूप से अधिकारियों द्वारा लागू न हो पाने के कारण अधिकांश मुकदमों में अपराधियों को पर्याप्त सजा नहीं मिल पा रही है। परिणामतः इन वर्गों के ऊपर जाति आधार पर अत्याचार निरंतर जारी है। दूसरी तरफ इन वर्गों के पीड़ित व्यक्तियों की तत्काल रिपोर्ट दर्ज न करने, अपराधी को अग्रिम जमानत का लाभ देने और अपराधी की गिरफ्तारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की अनुमति से न करने आदि के आदेश पारित कर दिए जाने से इन वर्गों के ऊपर और अधिक अत्याचार निश्चित रूप से बढ़ेंगे तथा पूरे देश में भयावह स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त गंभीर मामले में तत्काल हस्तक्षेप करते हुए SC ST एक्ट 1989 को पूर्व की भांति पुनः लागू कराने की कृपा करें। सम्मान सहित जय पाव। चलिए आवाज़ एक जन चलिए आप चलिए।